कोरोना वॉरियर्स की सुरक्षा के लिए सरकार की तरफ से कई योजनाएं बनाई गई ताकि इन लोगों को कोरोना से बचाया जा सके। लेकिन फिर भी अपना फर्ज निभाते निभाते कई कोरोना वॉरियर्स कोरोना से संक्रमित हो गए। आपको बता दें कि अस्पतालों में कोरोना मरीजों का इलाज करते डॉक्टर सहित सफाई कर्मी और सड़कों पर अपनी ड्यूटी का निर्वहन करते पुलिस कर्मियों की सुरक्षा के लिए तो सरकार ने कदम उठाए ही थे, लेकिन इसके अलावा जो वॉरियर्स कोरोना की चपेट में आए हैं उनके लिए भी कई योजनाएं बनाई गई। बता दें कि पंजाब के लुधियाना में कोरोना संक्रमण के दौरान वायरस का शिकार हुए पुलिस कर्मियों की मदद करने की जगह उनको नुकसान पहुंचाने के लिए कुछ आपराधिक तत्व अलग अलग साजिशें रचते पाए गए हैं। जहां कोरोना संक्रमित पुलिस कर्मियों के लिए बनाए गए एकांतवास केंद्र में पुलिस कर्मियों के खिलाफ साजिश रचने का मामला सामने आया है। जहां कुछ आपराधिक तत्वों ने एकांतवास केंद्र में मौजूद पुलिस कर्मियों को नुकसान पहुंचाने के लिए पानी की टंकी में फिनाइल मिला दिया। वही पुलिस थाना बस्ती जोदेवाल की SHO अर्शप्रीत कौर गिरेवाल ने बताया कि राहो रोड पर गली नंबर 9 में कोरोना के शिकार हुए पुलिस कर्मियों के लिए एकांतवास केंद्र बनाया गया था, जिसकी निगरानी में सुरक्षा गार्ड को लगाया गया था। बीते दिनों एकांतवास के अंदर गए सुरक्षा गार्ड ने जब पीने के लिए पानी लिया तो उसमें फिनाइल की बदबू आई। जांच के दौरान सामने आया कि पास ही के एक कमरे में रहने वाले एक युवक ने अपने दो साथियों के साथ मिलकर पानी की टंकी में फिनाइल मिलाया था। इस युवक का परिवार पहले से ही आपराधिक गतिविधियों में संलिप्त है और उसके भाई पर भी बीते दिनों पुलिस ने कार्रवाई की थी। इसके अलावा SHO ने बताया कि पकड़े गए आरोपियों पर IPC की धारा 307, 277, 328, 186, 511 और 120B के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है। राहुल रोड 9 नंबर गली च जो मैंने COVID-19 में पॉजिटिव आई हैं तो सारे पुलिस ऑफिसर्स नु साडे पुलिस स्टेशन दे नु क्वारंटाइन करन लई उत्थे क्वारंटाइन सेंटर बनाया गया है। उत्थे उहदी देखभाल करन लई मेरे मतलब इसो थाने दे एम्प्लॉईज उत्थे ड्यूटी करदे हुण वी उत्थे ओह मतलब देखभाल करदे ने क्वारंटाइन सेंटर दी। इन फ्यूचर आपां जे अलॉटमेंट गया तो उत्थे आपां किसी भी पुलिस ऑफिसर नु क्वारंटाइन कर सकदे। बेहद शर्मनाक है ये कि जो लोग हमारी सुरक्षा में हमेशा तत्पर रहते हैं उन्हीं की मदद करने की जगह इस तरह की हरकतें की जा रही। लोगों को खुद ही सोचना चाहिए कि इस वक्त एकजुट होकर कोरोना से जंग लड़ना है ताकि जल्द ही देश को कोरोना मुक्त बनाया जा सके।